वेलकम टू माय चैनल व्यूअर्स, आज हम आपको जेंट्स कमीज़ की प्लेकेट पे एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे। तो व्यूअर्स, हमेशा की तरह हमारी वीडियो को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं व्यूअर्स। सबसे पहले हम जेंट्स कमीज़ को इस तरह से टर्न करेंगे और इस तरह से टर्न करते हुए हम इसरी से इसका सेंटर सेट करेंगे। व्यूअर्स, अब ये हमारे पास बड़ी प्लेकेट है, तो अगर हम इसको इस तरह से टर्न करके इसका इंची स्टेप से साइज़ लें तो ये तकरीबन हाफ इंच से भी एक पॉइंट कम है। तो अगर हम इन छोटी लाइनों के हिसाब से इसका साइज़ लें, ये जो इंची स्टेप पे छोटे पॉइंट हैं इनके हिसाब से अगर हम इसका साइज़ लें तो ये तकरीबन 6 पॉइंट है। तो हम यहाँ पर 3 पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे निशान लगाएंगे और इस हिसाब से हम इसको कमीज़ को सेंटर से यहाँ से कट करेंगे। बाकी के 3 पॉइंट हमें सिलाई के मार्जिन के लिए भी चाहिए, तो हम यहाँ पे 3 पॉइंट पे निशान लगाएंगे। और व्यूअर्स, यहाँ से 3 पॉइंट पे निशान लगाते जाएंगे और अब हम इस तरीके से यहाँ से कमीज़ को सेंटर से कट करेंगे और इसकी लंबाई हम 13 इंच तक लेंगे। 12.5 इंच तक हम कटिंग करेंगे, हाफ इंच सिलाई में जाएगा तो ये 13 इंच तक रेडी होगा। तो अब हम यहाँ से 3 पॉइंट पे निशान लगाते जाएंगे और इस तरह से हम सेंटर से कमीज़ को कट करेंगे। व्यूअर्स, अब हम यहां से कट करेंगे। और यहां हम सेंटर से इस तरह से कट कर देंगे। तो व्यूअर्स, हमने कमीज़ को सेंटर से कट कर लिया है, तो अब हम जिस साइड पे हम बड़ी प्लेकेट को स्टिच करते हैं उस साइड पे हम छोटी प्लेकेट को स्टिच करेंगे और जिस साइड में हमें छोटी प्लेकेट को स्टिच करते हैं उस साइड पे हम बड़ी प्लेकेट को स्टिच करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले प्लेकेट को कपड़े पे अटैच करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर स्टिच करेंगे।
व्यूज़ हमने प्लेकेट को कपड़े पे अटैच कर लिया है। तो अब हम यहाँ लूप्स का डिज़ाइन बनाने के लिए हम डोरी बनाएंगे। तो उसके लिए हमने कपड़े का 1 इंच चौड़ा पीस लिया है, इसको हमने दोनों साइड से इस तरह से टर्न किया है। तो अब हम दोबारा से इसको इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ पे ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो व्यूज़ इसकी लंबाई तकरीबन 25 इंच है, तो अब हम यहाँ पर ऊपर सिलाई लगाएंगे। व्यूज़ अब हम लूप्स की कटिंग करेंगे, तो इसकी लंबाई हम 3.5 इंच तक लेंगे। व्यूज़ ये हमने 3.5 इंच लंबाई में 7 लूप्स कट कर लिए हैं। तो अब हम इनको यहाँ पे छोटी प्लेकेट पे हमने 1.5-1.5 इंच के फासले पे ये निशान लगाए हैं। तो अब हम इन निशानों पे इस तरह से इसको टर्न करते हुए यहाँ पे इन निशानों पे इस तरह से सेट करेंगे। तो व्यूज़ ये छोटी प्लेकेट जिस पे हमने लूप्स को अटैच किया है, इसको हम यहाँ बड़ी प्लेकेट वाली साइड पे स्टिच करेंगे। और बड़ी प्लेकेट जिसको हमने डिज़ाइन देने के लिए ब्लैक कपड़े पे चिपकाया है, इसको हम यहाँ छोटी प्लेकेट वाली साइड पे स्टिच करेंगे। तो अब हम इसको इस तरह से सेट करेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे।
व्यूज़ अब हम यहाँ पे इस सिलाई तक हम यहाँ पे कट लगाएंगे। दोनों साइड में और अब हम यहाँ पे इस कपड़े को अंदर की तरफ इस तरह से टर्न करेंगे। व्यूज़ अब हम यहाँ इन दोनों प्लेकेट्स को यहाँ पे अंदर की तरफ सेट करते हुए यहाँ पे कमीज़ के अंदर की साइड से यहाँ से हम इसको इस तरह से स्टिच करेंगे। व्यूज़ जी हमने दोनों प्लेकेट्स को अंदर की तरफ से स्टिच कर लिया है। अब हम यहाँ से इजाफी कपड़े को कट कर देंगे। और अब हम यहाँ से सिलाई के मार्जिन को अंदर की तरफ टर्न करते हुए यहाँ पे हम ऊपर सिलाई लगाएंगे। व्यूज़ इस साइड पे जिस साइड पे हमने लूप्स लगाए हैं इस साइड पे हमने सिलाई के मार्जिन को इस तरह से टर्न करते हुए यहाँ पे ऊपर सिलाई लगाई। अब हम इसको इस इजाफी कपड़े को इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ पे हम डबल सिलाई लगाएंगे। व्यूज़ हमने यहाँ पे डबल सिलाई इसलिए लगाई ताकि ये लूप्स अपनी जगह पे सेट रहें। तो अब ये हमारी ब्लैकेट रेडी हो चुकी है। अब हम कमीज़ को स्टिच करेंगे।